हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको एक ऐसी जर्नी पर लेकर चलेंगे जहां पे आपको यूनिवर्स के तीन ऐसे अमेजिंग ऑब्जेक्ट देखने को मिलेंगे जिसको आपने पहले शायद इमेजिन भी नहीं किया होगा, क्योंकि यूनिवर्स में इस प्रकार की चीज़ों का होना अपने आप में एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। तो आइए देखते हैं कि हमारे यूनिवर्स ने हमारे लिए क्या चीज़ें छुपा रखी हैं। मेरा नाम है आशीष गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं खबर बेबाक। आज जिन तीन स्पेशल ऑब्जेक्ट्स को हम ऑब्जर्व करने वाले हैं उनका नाम, एक है यूनिवर्स का डार्केस्ट प्लैनेट, दूसरा है यूनिवर्स का फास्टेस्ट प्लैनेट एंड तीसरा विल बी द सुपर सैटर्न। यस फ्रेंड्स, देयर इज अ सैटर्न जो हमारे अपनी गैलेक्सी में है एंड देयर इज अ सुपर सैटर्न। तो चलिए इस जर्नी को शुरू करते हैं। द डार्केस्ट प्लैनेट, कई साल पहले ऐसे ही एक प्लैनेट की खोज की गई थी जिसे अब तक का सबसे अंधकारमय ग्रह या द डार्केस्ट प्लैनेट माना जाता है। जुपिटर के आकार का यह विशालकाय एक्सोप्लैनेट TRESS-2b कोयले से भी ज्यादा काला है। नासा के केपलर स्पेसक्राफ्ट ने इसकी खोज की थी। यह 750 लाइट ईयर दूर ड्रेको कॉन्स्टेलेशन की दिशा में मौजूद है। खबरों के अनुसार यह विशालकाय गैसीय ग्रह सूर्य की रोशनी के 1% से भी कम हिस्से को रिफ्लेक्ट करता है। यह गुण अब तक देखे गए किसी भी ग्रह या चंद्रमा की तुलना में सबसे ज्यादा काला बनाता है इसे। space.com की एक रिपोर्ट के अनुसार अध्ययन के प्रमुख लेखक और हार्वर्ड स्मिथसोनियन सेंटर ऑफ एस्ट्रोफिजिकल के एस्ट्रोनॉमर डेविड किपिंग ने कहा कि यह अजीब है कि यह ग्रह इतना काला है और हमारे सौर मंडल में ही मौजूद है। यह हमारे सौर मंडल की किसी भी चीज की तुलना में कितना अलग है। इस एक्सोप्लैनेट के वातावरण का तापमान 980 डिग्री सेल्सियस से अधिक है क्योंकि इसका होस्ट स्टार इससे सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। होस्ट स्टार क्या होता है? एक होस्ट स्टार किसी भी गैलेक्सी या किसी भी सिस्टम के बीच में प्रेजेंट वो स्टार होता है जिसे हम ह्यूमंस अपनी जनरल लैंग्वेज में सन कहते हैं। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के को-ऑथर डेविड स्पीगल ने एक बयान में कहा था, हालांकि यह पूरी तरह काला नहीं है, उन्होंने बताया यह इतना अधिक गर्म है कि इसमें एक लाल चमक बाहर निकल रही है, बिल्कुल किसी जलते अंगारे की तरह। शोधकर्ताओं के लिए यह ग्रह का अंधेरा एक अनसुलझा हुआ रहस्य बना हुआ है। नंबर 2, द फास्टेस्ट प्लैनेट। केपलर टेलीस्कोप के खोजे गए इस ग्रह को अंतरिक्ष का सबसे तेज प्लैनेट कहा जा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह ग्रह अपने सूर्य की परिक्रमा करने में मात्र 6.7 घंटे लेता है। इस ग्रह का नाम एपिक 2463934 रखा गया है। केपलर एक प्लैनेट हंटिंग टेलीस्कोप है जो अब तक करीब 2300 ग्रहों की खोज कर चुका है। इस नए ग्रह को उसने धरती के एकदम पास ही खोजा है। दरअसल पृथ्वी में एक वर्ष में 365 दिन होते हैं और उसमें कुल 8760 घंटे होते हैं, जबकि केपलर टेलीस्कोप ने जो ग्रह ढूंढा है उसमें 7 घंटे होते हैं और इन्हीं 7 घंटों के अंदर उसका वर्ष खत्म हो जाता है। 2013 में केपलर ने K2 मिशन की शुरुआत की थी। यह धरती से अलग 45 गुना बड़ा बताया जा रहा है। इस ग्रह में भारी पत्थर मौजूद है जिसमें 70% तक आयरन होने की संभावना बताई जा रही है। वैज्ञानिकों की माने तो स्टेलर रेडिएशन के चलते यहां का वातावरण इंसानों के रहने योग्य बिल्कुल नहीं है, इसलिए पृथ्वी के करीब होने के बावजूद इसे मानवीय कॉलोनी के तौर पर विकसित करने की संभावना नहीं हो सकती। सुपर सैटर्न। हमारे सौरमंडल में रिंग्स के लिए सैटर्न की एक स्पेशल पहचान है क्योंकि वे अलग और स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। एक यूरोपीय एस्ट्रोनॉमर ने ऐसे तारे की खोज की है जिसके 30 रिंग दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, ठीक सुना आपने, 30 रिंग्स। सैटर्न ग्रह से 200 गुना बड़ा होने की वजह से वैज्ञानिकों ने इसे सुपर सैटर्न का नाम दिया था। यह सेलेस्टियल बॉडी हमारी पृथ्वी से 433.8 प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर्स दूर सेंटोरस स्टार सिस्टम में स्थित है। इसके 30 रिंग्स वाकई अपने आप में अनोखे हैं और इस तरह की बॉडी को अभी तक कहीं भी नहीं देखा गया है। इसके रिंग्स एक बहुत ही बड़ा क्षेत्र घेर रहे हैं, लेकिन यह सेलेस्टियल बॉडी कोई ग्रह नहीं बल्कि एक सूर्य जैसा तारा है। इस सेलेस्टियल बॉडी की खोज एक दशक पहले नीदरलैंड के लेडन ऑब्जर्वेटरी और रोचेस्टर यूनिवर्सिटी के एस्ट्रोनॉमर एरिक मामाजेक नाम के एस्ट्रोनॉमर और उनके साथियों ने की थी। रिंग्स के इस मैकेनिज्म के एनालिसिस के आंकड़ों ने खुलासा किया है कि इसके 30 छल्ले करीब 1 करोड़ किलोमीटर के डायमीटर में फैले हैं। यहाँ यह तारा इतनी दूर है कि पृथ्वी से सीधे इसके छल्ले दिखाई नहीं देते। एस्ट्रोनॉमर्स का कहना है कि यदि हम सैटर्न के रिंग्स से J1407b के रिंग्स को बदल दें तो वे रात को भी आसानी से खाली आंखों से दिखाई देने लगेंगे और उनका आकार पूर्णिमा के चांद की तरह दिखाई देगा। वैज्ञानिकों ने इस बॉडी को सुपर सैटर्न का नाम दिया है। जी हाँ, तो ये था सुपर सैटर्न। तो ये था हमारा वीडियो यूनिवर्स के 3 अमेजिंग सेलेस्टियल बॉडीज के ऊपर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस प्रकार के वीडियो से जुड़े रहने के लिए खबर विभाग को सब्सक्राइब करें।